ठीक है, आप हैं दर्पण कोचिंग में ललन सर के साथ अपना कोचिंग में, जो भी नए नए व्यूवर देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से ही मेरा जीवन बदलता है। मैं उस लाइक को देखता हूँ, मेरे को अंदर से और जुनून आता है, नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए प्यारे बच्चों, मैं ले चलता हूँ, देखिए एक बहुत बेजोड़ सवाल की ओर। 1 किलोग्राम चीनी का कीमत 40 रुपया है, 1 किलो चीनी का कीमत कितना है? 40 रुपया। तो 250 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य बताने के लिए कह रहा है, ठीक है, 250 किलोग्राम है ना, 250 ग्राम कितना चीनी का बताना है, तो 250 ग्राम, 1 किलो चीनी का कीमत कितना है? 40 रुपया। तो 250 ग्राम आप चीनी लाने गए हैं तो आपको कितना पैसा भुगतान करना पड़ेगा, उसको बारे में आप जानकारी लीजिए। तो ऐसे सवाल को आप कैसे बनाइएगा, देखिए प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम, ठीक ना, क्या ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम है ना, 1 किलो में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम है ना, या यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम का मूल्य कितना है? 40 रुपया। कितना है जी? 1000 का कितना है? 40 रुपया। कई रुपये? तो 40 रुपये है। कितना का? तो 1000 ग्राम चीनी का मूल्य जो है 40 रुपये हैं। तो आपको अगर कहेगा कि 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम के निकालने के लिए इसको बटा में लिखते हैं, काउंट के 40/1000 लिखते हैं, ठीक ना? तो यहाँ हो गया रुपये, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कहेगा कि 250 ग्राम, अब हमको निकालना है कितना का छोटू, 250 ग्राम का दाम है ना, तो 40/1000 लिख देते हैं, ठीक ना, 1000, ठीक। उसके बाद जितना कहता है उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 250 ग्राम, तो 250, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके कितना कटता है? 100, 25 चौके कितना होता है? 100 है ना, 10 चौके 40, यानी कि 10 रुपये है ना। तो 250 ग्राम है ना चीनी है ना का मूल्य कितना हो गया बच्चों? तो 10 रुपये, ठीक है। हम समझते हैं कि बढ़िया से समझ गए होंगे, और किसी को भी पूछने पर आप बढ़िया से बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते